हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ऑल थिंग्स फॉर यू, जहां आप पाएंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट्सएप, जहां हम देखेंगे सम इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स अबाउट व्हाट्सएप। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट ट्रिक इज, आप लोगों ने ज़्यादातर ये देखा होगा कि हम लोगों को कभी अननोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करने पड़ जाते हैं, जो कि नंबर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं होते हैं। तो उन नंबर पर मैसेजेस करने के लिए हमें पहले कई अननोन नंबर को सेव करना पड़ता है, उसके बाद हम उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर पाते हैं। कई नंबर ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं कि हमें उनका दोबारा यूज पड़े। तो डायरेक्टली विदाउट नंबर सेव किए हम व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेज सकते हैं किसी भी अननोन नंबर पर, वो हम देखेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा wa.me/91, दैट इज कंट्री कोड, एंड इसके बाद हमें अपना नंबर डायल करना होगा। मैं नंबर डायल कर लेती हूँ। नंबर डायल करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखा आपने, जो भी नंबर मैंने डायल किया था उस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप का मैसेज विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। सो दैट इज आवर ट्रिक नंबर वन। लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर टू। तो इस ट्रिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बिना व्हाट्सएप ओपन किए कैसे किसी भी पर्सन को मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो भी अपनी लास्ट सीन बिना शो किए, इन केस आपके फ़ोन में लास्ट सीन इनेबल है। उसके लिए हमें मोबाइल स्क्रीन में गूगल असिस्टेंट नाम के फीचर को क्लिक करना होगा और हमें जिस भी पर्सन को मैसेज सेंड करना है उसका नाम लेकर ये कहना होगा, सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू XYZ पर्सन। फिर उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो हम अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू काशिफ। चैट विद काशिफ, नो प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैसेज। यहाँ पर दो ऑप्शन आए, या तो हम मैसेज टाइप कर सकते हैं या तो हम बोल सकते हैं। तो मैं मैसेज टाइप कर लेती हूँ। और सेंड कर देती हूँ। दूसरी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि मैसेज जो है वो डिलीवर हो चुका है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आप लास्ट सीन देखिए। यहाँ पर इस फ़ोन में मेरा लास्ट सीन जो है वो 5:24 आ रहा है, जबकि मैंने मैसेज किया है 5:47 पर। तो है ना कमाल की ट्रिक। इस ट्रिक में हम लोग देखेंगे कि हम व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हमें व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेजेस सेंड किए होते हैं और हमारे मैसेजेस रीड किए बिना ही वो मैसेजेस डिलीट कर दिए जाते हैं, और हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसने हमें ऐसे क्या मैसेजेस किए जो उसे डिलीट करने पड़े। तो इस सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से हम लोग उन डिलीटेड मैसेजेस को भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन पर मैसेजेस को सेंड कर लेती हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पर दो मैसेजेस पॉपअप हुए। अब मैं इन मैसेजेस को डिलीट कर दूँगी, डिलीट फॉर एवरीवन। ठीक है, अब मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों मैसेजेस जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अब मुझे इन मैसेजेस को रीड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा।
और यहाँ पर ऐप का नाम टाइप करना होगा, दैट इज WAMR। तो यहाँ पर ये ऐप ओपन होगी आपके फ़ोन पे। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरे फ़ोन पे ये इंस्टॉल है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है एज वी नो। तो हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही दो मैसेजेस हैं जो मैंने इस फ़ोन से डिलीट कर दिए थे। तो अच्छी लगी ना ट्रिक? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।